मेरे साथ हैं जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला। इनसे जानते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अभी तक कितने काम हो चुके हैं। जी, जो हमारा बड़ा मुद्दा था 75% को लेकर के, उस पर हमने सफलता हासिल की। महिलाओं को रिजर्वेशन देने की थी पंचायतों में, उस पर हमने की। 8% बैकवर्ड को उनका सम्मान लौटाने की बात थी, वो हमने की। पेंशन भी 500 रुपये बढ़ी है सरकार में, और हमारा लक्ष्य है कि हम इसे 5100 तक लेकर के जाएं। एक बीच में कुछ लोग बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि कुछ पेंशन काटी गई हैं, हम इस बात के पक्षधर हैं और इस बात के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे। पेंशन एक भी बुज़ुर्ग की ना कटे, ये सम्मान स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का इज्जत के साथ बुज़ुर्गों को दिया हुआ सम्मान है, ना पेंशन किसी की कटने देंगे, और वो भी हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। दिग्विजय जी, कब तक बुज़ुर्गों की पेंशन बढ़ जाएगी? मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ा सा लेट भी हो गए, इस साल तक बढ़, अब इस समय तक बढ़ जानी चाहिए थी, और मुझे उम्मीद है कि अब जल्द बढ़ जाएगी। दिग्विजय जी, अजय माकन की हार के लिए आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है, क्या कारण है कि आप हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रहे हो? क्योंकि हुड्डा जी ने ही अजय माकन जी को यहाँ बुला करके हराया है, इस बात के प्रमाण भी हैं। बंसल ने जब किरण जी का वोट देखा, फिर भी वो नहीं बोले और कहा कि सभी लोगों ने अपना इलेक्टोरल ठीक मतदान किया, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे और हुड्डा जी उनके साथ बैठकर झूठ बोल रहे थे। दिग्विजय जी, पंचायत चुनाव को लेकर जेजेपी की क्या तैयारियां हैं? हम पार्टी की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें फैसला लेंगे। 5 अगस्त के बाद हम इस पर फैसला लेंगे कि हम डायरेक्ट लड़ेंगे, इनडायरेक्ट लड़ेंगे, और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों स्थिति में फिर हम अपने अलायंस पार्टनर से बातचीत करेंगे। दिग्विजय जी, जेजेपी क्या पंचायत चुनाव अलग भी लड़ सकती है क्या? पंचायत चुनाव पर पहले फैसला हो, फिर उसके बाद अपने अलायंस पार्टनर से बातचीत कर करके, क्योंकि पंचायत तो चुनाव नहीं लड़ते, वो तो जिला परिषद का चुनाव लड़े जाते हैं। जिला परिषद के अंदर क्या हम डायरेक्टली लड़ेंगे, इनडायरेक्टली लड़ेंगे, उसके बाद फैसला होगा। ये थे मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला। इन्होंने बताया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कितने काम अभी तक हो चुके हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।